20% केस में इंजीनियर फेल ओवर कर लेते हैं, 80% केस में फेल ओवर भी नहीं होता है जल्दी, राइट, बिकॉज इस प्रेशर बहुत हो सकती है ना यहाँ पे। अब सपोज करिए आप, ये जो यूजर है, क्लाइंट है, ये स्पाइसजेट का इंप्लॉय यहाँ पे बैठा हुआ है, राइट, और बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है बोर्डिंग पास के लिए, और उनका सर्वर डाउन है, राइट, वो बोर्डिंग पास नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। सोचो प्रेशर नेटवर्क इंजीनियर के ऊपर में। हे गाइस, सम ऑफ माय सब्सक्राइबर इज रिक्वेस्टिंग मी टू मेक सम वीडियोस इन हिंदी एज वेल, सो आई विल ट्राई टू अपलोड सम वीडियोस इन हिंदी एज वेल ऑन दिस चैनल। अगेन मोस्ट वीडियोस विल बी इन इंग्लिश ओनली एंड सम वीडियोस विल बी इन हिंदी। और आज मैं आया हूँ एक नया सीरीज लेके आपके सामने इस चैनल के ऊपर, जहाँ पे हम लोग SDN नेटवर्क सीखेंगे, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क, आप कह सकते हो SD-WAN टेक्नोलॉजी, राइट। तो ये सीरीज का पूरा हिंदी में होने वाला है, तो अगर आप हिंदी समझते हो और SDN नेटवर्क, SD-WAN टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हैं, देन डेफिनेटली ये सीरीज आपके लिए है, राइट। बट जैसा कि आप जानते हो कि SD-WAN एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, राइट, काफी डिमांडिंग टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को शिफ्ट कर रहे हैं, राइट, ट्रेडिशनल वैन टू SD-WAN, SD-WAN के ऊपर लेके आ रहे हैं। तो बहुत सारे कंपनीज ऐसे इंजीनियर को ढूंढ रहे हैं, राइट, जिनके पास SD-WAN की नॉलेज हो अच्छी, जो उनके नेटवर्क को मैनेज कर सके, ट्रबल शूट कर सके। तो डेफिनेटली अगर आप ये टेक्नोलॉजी सीख लेते हो तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा, आपकी प्रोफेशनल लाइफ एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी, या फिर आप जॉब के लिए देख रहे हो, अगर आप फ्रेशर हो और कैरियर बनाना चाहते हो इस इंडस्ट्री में, तो भी आप SD-WAN सीख के इजिली जॉब ले सकते हो टॉप एमएनसी कंपनी के अंदर। बट इसकी कुछ प्री रिक्विजिट है। देखो SD-WAN एडवांस टेक्नोलॉजी है, हम डायरेक्ट आपको SD-WAN नहीं सिखा सकते, इसके लिए हमें आपकी बेसिक नॉलेज की जरूरत है। जैसे आपको बेसिक राउटिंग स्विचिंग आनी चाहिए, राइट, आपको बेसिक स्विच की फॉरवर्डिंग, राउटर की फॉरवर्डिंग आनी चाहिए कि राउटर कैसे फॉरवर्डिंग डिसीजन लेता है, राइट, कौन से टेबल मेंटेन करता है, स्विच कौन सा टेबल मेंटेन करता है, राइट। अगर आपको ये सारी नॉलेज है तो मैं आपको SD-WAN नेटवर्क सिखा सकता हूँ बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान लैंग्वेज में। इवन मैं कह सकता हूँ किसी को भी, अगर CCNA उसने पढ़ा हुआ है पहले और वो अपनी टेक्निकल स्किल को इम्प्रूव करना चाहता है, राइट, और उसको हिंदी आता है, तो ये प्लेलिस्ट उसके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है। इस प्लेलिस्ट के हेल्प से वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी तक रीच कर सकती है, जैसे कि गूगल, सिस्को, इवन दिस कंपनी, इन दिस कंपनी यू कैन अप्लाई फॉर जॉब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स, राइट। लेकिन मैंने क्या बताया, प्री रिक्विजिट। तो अगर आप एक फ्रेशर हो और इस इंडस्ट्री में कैरियर बनाना चाह रहे हो नेटवर्किंग इंडस्ट्री में, तो डेफिनेटली आपको यहाँ से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, आपको पहले CCNA या CCNP कर लेना चाहिए। अगर CCNA या CCNP की नॉलेज आपको पहले से है, देन गुड, डेफिनेटली आपके लिए ये प्लेलिस्ट। अगर आप फ्रेशर है, आपको नेटवर्किंग की कोई नॉलेज नहीं है, तो आप कैरियर अपना यहाँ से स्टार्ट मत करिए, पहले आप CCNA करिए, फिर CCNP करिए, या फिर डायरेक्ट CCNA के बाद भी आप SD-WAN के लिए जा सकते हो। CCNA क्या है, बेस है, फाउंडेशन है। हम CCNA में एक फाउंडेशन बनाते हैं, नेटवर्किंग का बेस बनाते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि एक नेटवर्क कैसे काम करता है, कैसा दिखता है, कैसे कंफिगर करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, कौन से टेबल्स होती है, कौन से डिवाइसेस होती हैं, राइट। और इसके बाद ये सारी बेसिक चीजें सीखने के बाद हम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। किसी को वायरलेस में इंटरेस्ट होगा तो वो वायरलेस में डिटेल चीजें पढ़ेगा, किसी को वर्चुअलाइजेशन में इंटरेस्ट होगा तो वो वर्चुअलाइजेशन का मास्टरी करेगा, किसी को डेटा सेंटर में इंटरेस्ट होगा तो वो डेटा सेंटर की मास्टरी करेगा, किसी को सर्विस प्रोवाइडर में इंटरेस्ट होगा, किसी को SDM में इंटरेस्ट होगा, किसी को ऑटोमेशन में इंटरेस्ट होगा, राइट। तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप आगे की हायर लेवल की सर्टिफिकेशन और कोर्स चूज कर सकते हो, जिसमें से कि ये SDN, SD-WAN इज द मोस्ट कॉमन कोर्स, बहुत ही कॉमन कोर्स है, जो कि आजकल हर नेटवर्क इंजीनियर करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि SD-WAN के ऊपर एक प्लेलिस्ट बनाते हैं। पहले मेरा प्लान था इंग्लिश में बनाने का, फिर मैं कुछ वीडियो देखते रहता था, कमेंट देखते रहता था कुछ वीडियोज की, लोग बोलते रहते थे कि हिंदी में भी कुछ वीडियोज बनाइए, देन आई डिसाइडेड टू मेक दिस प्लेलिस्ट इन हिंदी ऑनली। ओके, तो कंप्लीट प्लेलिस्ट हिंदी में, और आप यहाँ पे पूरी SD-WAN और SD-WAN टेक्नोलॉजी सीख सकते हो इस प्लेलिस्ट को देखने के बाद। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, ये पहला वीडियो है, अगर आप चैनल पे नए हो या पहले से ही देख रहे हो लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, राइट, ताकि
जब हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे इसका, तो आपके पास नोटिफिकेशन भी चला जाए और ये आपका एक छोटा सा सपोर्ट भी हो जाएगा, राइट, कि आप अगर कहीं से बेनिफिट ले रहे हो तो आप उसको सपोर्ट कर रहे हो। देखो, हम 3-4 साल से इस प्लेटफॉर्म पे, पीएम नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे कंटेंट, टेक्निकल कंटेंट शेयर कर रहे हैं, जैसे वीडियो के फॉर्म में, कभी पोस्टर के फॉर्म में, कभी क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, और हजारों लोग बेनिफिट ले रहे हैं, हजारों लोग एक अच्छी कंपनी में, टॉप एमएनसी कंपनी में जॉब ले चुके हैं इस प्लेटफॉर्म के हेल्प से, राइट। तो डेफिनेटली आप भी ले सकते हो, और मेरा भी यही टारगेट है कि अभी हजारों को हेल्प मिला है इसे, और आने वाले टाइम में लाखों लोगों को हेल्प मिलनी चाहिए इस प्लेटफॉर्म से। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे प्लेटफॉर्म से सीखे और फिर वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और फिर उसका बेनिफिट ले। और मैं वही चीज सिखाने में इंटरेस्टेड हूँ जो चीज मुझे खुद आती है बहुत अच्छे से, राइट। लाइक सीसीएनए मैंने बहुत पहले किया था और आज मुझे कॉन्फिडेंट है, राइट, कि सीसीएनए मैं किसी को भी सिखा सकता हूँ। लेकिन ये मतलब नहीं हुआ कि अगर मैंने सीसीएनए सीखा तो इसका मतलब मुझे सीसीएनए सबको सिखाना चाहिए, नो। रीजन इज आफ्टर लर्निंग द सीसीएनए, सीसीएनए सीखने के बाद मैंने सीसीएनए को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया और उसे मुझे बेनिफिट मिलना चालू हुआ, राइट। जब मैंने उसे बेनिफिट लेना चालू किया, जब मुझे बेनिफिट मिलना चालू हुआ, देन आई डिसाइडेड टू शेयर माई नॉलेज ऑन सोशल मीडिया, राइट। और मैंने ये पीएम नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म क्रिएट किया और यहाँ पे अपनी नॉलेज शेयर किया। तो आज भी मैं वही चीज अपलोड करता हूँ, वही चीज शेयर करता हूँ जिससे मुझे बेनिफिट मिल रही है अपने प्रोफेशनल लाइफ में। तो डेफिनेटली अगर आप इस कोर्स को सीखते हो, पढ़ते हो, अच्छे से लैब करते हो और रिज्यूमे में अपडेट करते हो, उसके बाद फिर कंपनी में जाते हो, तो डेफिनेटली आपको भी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में इम्प्रूवमेंट दिखेगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ ग्रो कर सकती है। तो ये वीडियो उन सभी के लिए है जो अपनी टेक्निकल स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, या फिर वो फ्रेशर हैं और नेटवर्किंग इंडस्ट्री में कैरियर बनाना चाहते हैं, सीसीएनए कर चुके हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही है, स्ट्रगल कर रहे हैं अभी भी। तो ये प्लेलिस्ट, ये सीरीज देखने के बाद आप इजीली जॉब भी ले सकते हो इंडस्ट्री में, राइट। तो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं सीरीज को और समझते हैं सबसे पहले वाई। और मैंने क्या बताया आपको कि सब्सक्राइब, तो अगर आप चैनल पे नए हैं या पहले से ही देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, राइट। और अगर आप ऐसे किसी को जानते हो जिनको ये सारे कोर्सेज करने हैं, सीसीएनए, सीसीएनपी, एसटीवैन, सीसीआई, डेटा सेंटर सर्विस प्रोवाइडर, वायरलेस, तो आप शेयर कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म को अपने फ्रेंड के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। अब देखिए, कोई भी चीज़ सीखने के लिए हमें सबसे पहले वाई सीखना चाहिए। जैसे एक बच्चे को एक एग्जांपल देता हूँ, एक बच्चे को दवा पिलाना कितना मुश्किल होता है, राइट। हम कोशिश करते रहते हैं, मदर फादर कोशिश करते रहते हैं लेकिन बच्चे दवा लेते नहीं रहते हैं। रीजन, क्योंकि बच्चे को पता नहीं होता है कि उसके पीछे का वाई क्या है, हम उसको दवा दे क्यों रहे हैं, राइट। अगर उसको वाई क्लियर है कि अगर मैं दवा लूंगा तो मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी, तो डेफिनेटली वो दवा लेना चालू कर देंगे। इसी तरीके से अगर आपको ये पता होगा कि एसटीवैन को लेके हम आए क्यों, तो एसटीवैन सीखना आपके लिए आसान होगा, राइट। एसटीवैन काम कैसे करता है, हाउ, ये आपके लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले कभी भी हमें वाई क्लियर करना चाहिए किसी भी चीज का, ताकि हम व्हाट एंड हाउ को इजिली ग्रैप कर सके, राइट। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि वाई एसडीएन, हम लोग एसडीएन नेटवर्क को लेके क्यों आए। और अगर आप एसडीएन से फैमिलियर नहीं है तो एसडीएन स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क, ऐसा नेटवर्क जो सॉफ्टवेयर के हेल्प से इम्प्लीमेंट किया जाता है, राइट। ऐसे नेटवर्क जो सॉफ्टवेयर के हेल्प से इम्प्लीमेंट किया जाता है, मैनेज किया जाता है, कंफिगर किया जाता है, ऐसे नेटवर्क हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे कि आपको बेसिक ट्रेडिशनल वैन के बारे में नॉलेज होगी। बेसिक ट्रेडिशनल वैन मीन्स जैसे पुराने राउटर कैसे काम करते थे, जिसमें एक ही बॉक्स के ऊपर में कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन होता था, राइट। कैसे एंड डिवाइसेस इंटरनेट को एक्सेस करता था, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, टॉपिक इज वाई एसडीएन। तो अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, लेट सपोज एक मेरी छोटी सी कंपनी है, मेरी कंपनी जिसमें कुछ कंप्यूटर्स है, कुछ सर्वर्स है, राइट। और ये सारे डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, साथ ही साथ इंटरनेट भी एक्सेस करना चाहते हैं। मे बी कि ऐसा एक मेरा कहीं पर दूसरा भी ब्रांच है जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो ये यूजर रिमोट ब्रांच के साथ भी
बात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे पहली सेंट्रलाइज डिवाइस मुझे यहाँ पे रिक्वायर है इन सारे डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, वो है स्विच। तो मैं एक परचेज करूंगा मार्केट से स्विच, एंड देन स्विच के थ्रू मैं इन सबको आपस में कनेक्ट कर सकता हूँ। नाउ ये सारे कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, बस आपको बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। जैसे स्विच के ऊपर में वीलैन वगैरह कॉन्फ़िगर करना, राइट, पीसी के ऊपर में आईपीएलएस कॉन्फ़िगर करना, सर्वर के ऊपर में सर्विसेज कॉन्फ़िगर करना, अलग से ये एचटीटीपी सर्वर है, राइट, तो एचटीटीपीएस सर्विस कॉन्फ़िगर करना, मे बी डीएनएस कॉन्फ़िगर करना, डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करना। देन इन सारे यूजर को अगर इंटरनेट एक्सेस करना है तो आपको एक दूसरा डिवाइस यूज होता है जो कि क्या है, राउटर। तो राउटर का आप यूज करते हो दो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए। तो वही चीज कर रहा हूँ मैं इस सिनेरियो में, मेरा ये प्राइवेट नेटवर्क, इसको मैं इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहता हूँ जो कि क्या है, पब्लिक नेटवर्क। तो यहाँ पे एक मैंने राउटर ले लिया और इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया इसके साथ, राइट। अब ये सारे यूजर इंटरनेट को भी एक्सेस कर सकता है, बेसिक कन्फिग्रेशन आपको करना पड़ेगा इस राउटर के ऊपर। जैसे आईपी एड्रेस कॉन्फिगर करना, यहाँ पे आपको नेट कॉन्फिगर करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे डिफॉल्ट रॉट कॉन्फिगर करना पड़ेगा, आपको इसको सिक्योर करना पड़ेगा, पासवर्ड वगैरह सब कॉन्फिगर करना पड़ेगा, राइट। और भी कुछ कॉन्फिगेशन है जो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, जैसे अगर ये सारे यूजर रिमोट यूजर से भी बात करना चाहता है तो यहाँ पे आपको वीपीएन कॉन्फिगर करना पड़ेगा, आईपी से कॉन्फिगर करना पड़ेगा, उसके बाद ये यूजर इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको ये सारे प्रोटोकॉल कैसे काम करती है, क्या होते हैं, ये सब पता है। जैसे नेट इज अ टेक्नोलॉजी विच इज यूज टू मेक कम्युनिकेशन पॉसिबल बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक नेटवर्क। ये कैसा नेटवर्क है, पब्लिक, ये कैसा नेटवर्क है, प्राइवेट। तो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट और पब्लिक आपस में कम्युनिकेट नहीं करते हैं, राइट। तो जो टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं इसको पॉसिबल करवाने के लिए वो है नेट, आपका नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। डिफॉल्ट आउट हम इसलिए कंफिगर करेंगे ताकि ये यूजर्स इंटरनेट को एक्सेस कर सके, राउटर हमारा ट्रैफिक को राउट कर सके। तो आपको ये पता होना चाहिए ये जो ट्रेडिशनल राउटर है, ट्रेडिशनल वैन बोलते हैं इसको, वैन राउटर, वाइड एरिया नेटवर्क राउटर। तो अगर ये यूजर सपोज करिए जिसकी आईपी एड्रेस है 10.1.1.1, ये यूजर अगर इंटरनेट एक्सेस करना चाहता है क्योंकि एक सर्वर है इंटरनेट पे 8.8.8, तो ये ट्रैफिक जनरेट करेगा, राउटर को भेजेगा, पहले स्विच को, स्विच राउटर को भेजेगा। राउटर कैसे फॉरवर्डिंग डिसीजन लेता है, तो राउटर एक्चुअली यहाँ पे क्या करेगा, पैकेट रिसीव करेगा, फिर चेक करेगा डेस्टिनेशन आईपी क्या है 8.8.8, उसको कंपेयर करेगा अपने राउटिंग टेबल से, राइट। और राउटिंग टेबल में अगर राउट होगा तो उसके बेसिस पे वो फॉरवर्डिंग डिसीजन लेगा। तो डिफॉल्ट राउट यहाँ पे होगा तो वो इंटरनेट की तरफ ट्रैफिक भेजेगा। तो ये पता होना चाहिए आपको कि ट्रेडिशनल राउटर फॉरवर्डिंग डिसीजन लेते कैसे हैं। अब इस बॉक्स के बारे में, इस ट्रेडिशनल राउटर के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो देखिए, अगर मैं इस बॉक्स को रिप्रेजेंट करूं ऐसे, ये एक बॉक्स है, राइट। तो इस बॉक्स के ऊपर में कौन कौन से हार्डवेयर कॉम्पोनेंट्स है अपने पास, राइट। तो देखिए, इस पे सबसे पहले तो अपने पास इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है जिससे हम डिवाइसेस को कनेक्ट किए हैं। एक पोर्ट स्विच से कनेक्ट है, एक पोर्ट किससे कनेक्ट है, इंटरनेट से। तो वीक ये सारे जो पोर्ट है, किस टाइप के हार्डवेयर है, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, जो कि डेटा को रिसीव करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं। तो इस बॉक्स के ऊपर में ये राउटर है, इस बॉक्स के ऊपर में हमारे पास कुछ इनपुट आउटपुट मॉड्यूल होंगे जिससे हम डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। मे बी आप इसे स्विच कनेक्ट कर सकते हो या एक हम पीसी कनेक्ट कर सकते हैं, और एक पोर्ट इसका हम किससे कनेक्ट कर सकते हैं, इंटरनेट से, राइट, बोल सकते हैं। तो ये पोर्ट कौन सा पोर्ट हो गया, वैन पोर्ट, जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है। ये पोर्ट कौन सा हो जाएगा, लैन पोर्ट, जो कि किससे कनेक्टेड है, मे बी स्विच या फिर आपके पीसी से। अब अगर ये पीसी इंटरनेट को एक्सेस करना चाहता है तो ये किसको ट्रैफिक भेजेगा, इस राउटर को। अब ये राउटर कैसे ट्रैफिक को प्रोसेस करेगा, इसके लिए यहाँ पे बहुत सारे हार्डवेयर लगे हुए हैं, राइट, जिसमें से मेन दो टाइप का हार्डवेयर है। एक जो डेटा प्लेन की ट्रैफिक को मैनेज कर रहा है, डेटा प्लेन ट्रैफिक मतलब जो अगर ये यूजर एक 10.1 अगर 10.1.1.2 से बात करना चाहता है, राइट। देखिए, अगर मैं टाइप्स ऑफ ट्रैफिक की बात करूँ इंटरनेट नेटवर्क में, तो तीन टाइप के ट्रैफिक होते हैं। सबसे पहला होता है आपका डेटा प्लेन, दूसरा होता है आपका कंट्रोल प्लेन, और तीसरा होता है आपका मैनेजमेंट प्लेन। डेटा प्लेन का मतलब हुआ कि एक यूजर का ट्रैफिक जो किसी दूसरे यूजर के लिए जा रहा है। जैसे
आप अपने फ्रेंड को व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो या अपने फ्रेंड को मेल के थ्रू एक बुक भेजते हो, तो ये क्या हो रहा है, एक यूजर ट्रैफिक जनरेट कर रहा है किसी दूसरे यूजर के लिए। तो ये सारे ट्रैफिक कैसा ट्रैफिक होता है, डेटा प्लेन ट्रैफिक। कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक की अगर मैं बात करूँ तो वो ट्रैफिक जो एक डिवाइस जनरेट कर रहा है दूसरे डिवाइस के लिए, राइट, जो कि डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए होता है, जैसे कि आपकी राउटिंग प्रोटोकॉल, आपकी स्विचिंग प्रोटोकॉल। आपकी राउटिंग प्रोटोकॉल मीन OSPF, DGP, RIP, EIGRP, ISIS, ये सारे राउटिंग प्रोटोकॉल है। और ये जो राउटिंग प्रोटोकॉल के डेटा है, जैसे इनके मैसेजेस, हेलो मैसेज, अपडेट मैसेज, क्वेरी मैसेज, एक्नॉलेजमेंट, ये सारे मैसेज कौन से टाइप के ट्रैफिक में आते हैं, कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक में। बिकॉज अगर मेरे पास दो राउटर है, R1 एंड R2, अगर आप इन दोनों के बीच में राउटिंग परफॉर्म करवाना चाहते हो, लेट से राउटर वन के ऊपर में हमारे पास कुछ नेटवर्क है XYZ, राउटर टू के ऊपर में मेरे पास कुछ नेटवर्क है ABC, तो ये नेटवर्क में शेयर करना चाहता हूँ बिटवीन राउटर वन एंड राउटर टू। लाइक मैं राउटर चाहता हूँ कि राउटर वन ये सारे नेटवर्क राउटर टू को बताएं, और राउटर टू ये सारे जितने कनेक्टेड नेटवर्क है राउटर टू टू से वो राउटर वन को बताएं। तो यहाँ पे हम एक राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल कर सकते हैं। सिंपली दो टाइप के राउटिंग होते हैं, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक में मैनुअली मैं कंफिगर कर सकता हूँ, डायनामिक में राउटिंग प्रोटोकॉल रन कर सकता हूँ। तो राउटिंग प्रोटोकॉल जब रन कर दूंगा तो ये दोनों राउटर आपस में मैसेजेस एक्सचेंज करेंगे, और उस मैसेज के हेल्प से ये नेटवर्क इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे। तो क्या हो रहा है, एक डिवाइस जैसे राउटर वन अगर ये नेटवर्क की इंफॉर्मेशन राउटर टू को भेजेगा, तो एक मैसेज भेजेगा, जनरेट करेगा, उस मैसेज के अंदर में इन सारे नेटवर्क को रखेगा, जैसे एक लेटर भेजना अपने फ्रेंड को, राइट। तो ये जो मैसेज है वो कौन जनरेट कर रहा है, एक डिवाइस जनरेट कर रहा है, किसके लिए, एक किसी दूसरे डिवाइस के लिए, राइट। अब इस राउटर से एक PC यहाँ पे कनेक्ट है और यहाँ भी एक PC कनेक्ट है। अगर ये दो PC वापस में कम्युनिकेट करना चाह रहा है, राइट, लेट से यहाँ पे एक CCNA का बुक है, ये CCNA का बुक मैं यहाँ से यहाँ भेजना चाहता हूँ, राइट। तो एक यूजर ट्रैफिक जनरेट कर रहा है किसी दूसरे यूजर के लिए, तो ये कौन सा ट्रैफिक है, डेटा प्लेन। ये जो आपका OSPF और EIGRP के जो मैसेजेस है वो कैसा ट्रैफिक है, कंट्रोल प्लेन। थर्ड बात करते हैं मैनेजमेंट प्लेन। मैनेजमेंट प्लेन वो होते हैं जो मैनेजमेंट के लिए हम यूज करते हैं। जैसे एक राउटर को कंफिगर करना है मुझे, तो मेरे पास कंट्रोल एक्सेस है, मेरे पास टेलनेट एक्सेस है, मेरे पास SSH एक्सेस है। मैं चाहता हूँ टेलनेट ले सकता हूँ, या फिर मैं SSH ले सकता हूँ, या फिर मैं कंसोल के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ। तो इन सिनारियों में क्या होगा, सबसे पहले तो मैं डिवाइस की एक्सेस लूंगा, राइट, रिमोटली मे बी टेलनेट की हेल्प से। उसके बाद मैं कन्फिगर करूंगा जो भी कन्फिग्रेशन मैं अप्लाई करना चाहता हूँ वहां पे। तो मैं ट्रैफिक जनरेट कर रहा हूँ किसके लिए, एक किसी डिवाइस के लिए, राउटर के लिए, राइट। तो ये ट्रैफिक कैसा होगा, मैनेजमेंट प्लेन ट्रैफिक, ट्रैफिक जनरेटेड बाय अ यूजर फॉर अ डिवाइस, दैट टाइप ऑफ ट्रैफिक इज नोन एज मैनेजमेंट प्लेन। मतलब मैनेजमेंट पर्पस के लिए हम यूज कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पे हम दो टाइप के ट्रैफिक की बात नहीं कर रहे हैं, बट दो टाइप की डिवाइस हार्डवेयर की बात कर रहे हैं, राइट। वो हार्डवेयर जो कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक को मैनेज करेगा, और वो ट्रैफिक जो डेटा प्लेन ट्रैफिक को मैनेज करेगा, राइट। तो जो हार्डवेयर डेटा प्लेन ट्रैफिक को मैनेज करता है उसको, उस हार्डवेयर को हम बोलते हैं डेटा प्लेन, डेटा प्लेन। और जो हार्डवेयर कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक को मैनेज करता है उसको हम बोलते हैं कंट्रोल प्लेन। तो ट्रेडिशनल राउटर में ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि एक ही बॉक्स के अंदर में मेरे पास दोनों प्लेन है, डेटा प्लेन भी और कंट्रोल प्लेन भी। अब इसकी इस प्रॉब्लम क्या हो सकती है, सबसे पहले तो कंट्रोल प्लेन जो होते हैं ना वो कॉस्टली होते हैं। क्या होते हैं, कॉस्टली, बिकॉज एक्चुअली कंट्रोल प्लेन एक्चुअल CPU हुआ डिवाइस का, राइट, प्रोसेसर हुआ। जितनी अच्छी इसकी कंट्रोल प्लेन की हार्डवेयर होगी उतनी अच्छी इस डिवाइस की परफॉर्मेंस होगी, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये जो कंट्रोल प्लेन की हार्डवेयर है ये मैनेज क्या करेंगे, ये मल्टीपल चीजें मैनेज करेंगे, जैसे आपकी राउटिंग टेबल, राइट, जैसे आपकी राउटिंग प्रोटोकॉल की डेटाबेस। तो ये राउटर यहाँ पे वैन जो फॉरवर्डिंग डिसीजन ले रहा है वो किसके बेसिस पे ले रहा है, कंट्रोल प्लेन के बेसिस पे। देखिए इस पैकेट, इस पोर्ट पे पैकेट को रिसीव करना और इस पोर्ट पे पैकेट को भेजना, यहाँ से यहाँ पैकेट को स्विच करना, काम तो क्या है, डेटा प्लेन, राइट। मतलब एक यूजर एक पोर्ट से ट्रैफिक उठा के दूसरे पोर्ट पे भेजना डेटा प्लेन का काम है। बट इसको करने के लिए ये डिवाइस यूज क्या कर रहा है, तो कंट्रोल प्लेन का, मतलब वो अपना राउटिंग टेबल चेक कर रहा है, राइट, राउटिंग टेबल में कंपेयर करेगा डेस्टिनेशन। अब एक ही अगर बॉक्स दोनों टाइप के प्लेन को, दोनों टाइप के हार्डवेयर अगर एक ही बॉक्स में है, तो हार्डवेयर की कॉस्ट सबसे पहले क्या होगी, ज्यादा होगी, राइट।
दूसरी बात मैनेजमेंट, अगर इस बॉक्स के ऊपर में कंट्रोल प्लेन भी है तो हमें इसको मैनेज करके रखना पड़ेगा, हमेशा इसको एक मेंटेनेंस चाहिए राइट, इसकी मॉनिटरिंग चाहिए कि भाई रॉडिंग टेबल, अगर एक रॉडर आपकी रॉडिंग टेबल मैनेज कर रहा है कोई भी डिवाइस मान लीजिए, तो आपको उसको मॉनिटर करते रहना पड़ेगा ना कि भाई रॉडिंग सही से चल भी रहा है या नहीं चल रहा है, कुछ इशू तो नहीं है, तो मैनेजमेंट चाहिए हमें। डेटा प्लेन के लिए हमें उतनी मैनेजमेंट नहीं चाहिए बिकॉज कंट्रोल प्लेन बहुत कुछ मैनेज कर रहा है, जैसे मेन आपका रॉडिंग टेबल, रॉडिंग प्रोटोकॉल। ओके, अब मैं आपको एक रियल टाइम एग्जांपल दे रहा हूँ आपको क्लियरली समझाने के लिए क्या इश्यूज है ट्रेडिशनल वैन के साथ राइट। तो सपोज करिए एक ब्रांच है राइट, एक ब्रांच ऑफिस है जहाँ पे एक मेरे पास राउटर है R1 और फिर ये राउटर स्विच से कनेक्टेड है राइट, और यहाँ पे बहुत सारे डिवाइसेस हैं। डन, मेरे पास रिडंडेंसी के लिए दो ISP से कनेक्टिविटी है, एक ISP यहाँ पे ISP1 ISP2 ISP1 ISP2 आप इस ऑर्डर के ऊपर में फेल ओवर कॉन्फिगर करके रखे हो यहाँ पे 8.8.8, आप यहाँ पे फेल ओवर कॉन्फिगर करके रखे हुए हो R1 पे कि अगर कभी ISP1 डाउन जाए, ये आपका प्राइमरी ISP है, तो ट्रैफिक कहाँ पे शिफ्ट हो जाए, सेकेंडरी ISP पे। बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना कि ये लिंक डाउन तो नहीं जा रहा है, ये लिंक डाउन नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे रिलायबिलिटी की इशू आ रही है राइट, रिलायबिलिटी लो हो रही है, या फिर लेटेंसी की इशू आ रही है, स्लोनेस की इशू आ रही है, पैकेट लॉस हो रही है राइट, और यूजर कंप्लेन कर रहे हैं कि हमें ये सारे इश्यूज हो रहे हैं, मे बी सीआरसी एरर आ रहे हैं, रिलायबिलिटी की इशू आ रही है राइट, या पैकेट लॉस हो रहा है, स्लोनेस हो रहा है, ये सारी इश्यूज हो रही है। तो इन सिनेरियो में आपका राउटर वन क्या करेगा, फेल ओवर नहीं करेगा। राउटर वन फेल ओवर तब करेगा जब ये लिंक ही क्या हो जाए, डाउन हो जाए, बिकॉज ट्रेडिशनल वैन में ऐसी कोई कैपेबिलिटी नहीं है जो इस लिंक को ऐसे सेंस कर सके कि भाई इस पे लॉस तो नहीं है राइट, इस पे सीआरसी एरर तो नहीं है, इस पे रिलायबिलिटी इशू तो नहीं है, यहाँ पे पैकेट लॉस तो नहीं है, ये सेंस नहीं कर सकता है ट्रेडिशनल राउटर। लाइक अगर ये यूजर ट्रैफिक इंटरनेट पे भेज रहा है तो सिर्फ और सिर्फ आपका जो ट्रेडिशनल वैन राउटर है वो चेक करेगा डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन आईपी को राउटिंग टेबल में कंपेयर करेगा और फॉरवर्डिंग डिसीजन देगा। अगर हम चाहते हैं, हम राउटर को बोलना चाहते हैं कि भाई अगर कभी भी यूजर कोई HTTPS ट्रैफिक जनरेट करता है ना, तो उस पर तुम कुछ एक्शन लो, एक्शन मतलब कोई भी एक्शन लो, मे बी कि तुम उस पर जो है सो लोड बैलेंसिंग करवा दो, या फिर उसको जो है तुम ड्रॉप कर दो राइट। तो ये नहीं कर पाएगा बिकॉज राउटर लेयर 3 के एड्रेस से ट्रैफिक को पहचानता है राइट, राउटर HTTP ट्रैफिक को नहीं पहचानता है, मैं ट्रेडिशनल वैन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये राउटर फेल ओवर नहीं करेगा, यहाँ पे ये राउटर फेल ओवर नहीं करेगा अगर इस लिंक के ऊपर में क्या है, सीआरसी एरर है, रिलायबिलिटी है, पैकेट लॉस है, स्लोनेस है, ये सारी अगर इश्यूज है तो ये फेल ओवर नहीं करेगा। अब आपके पास कस्टमर का कॉल आने लगा कि भैया इशूज आ रहे हैं कस्टमर को का पैकेट लॉस हो रहा है, इंटरनेट एक्सेस नहीं हो पा रहा है, आपका राउटर फेल ओवर नहीं हो रहा है। आप अगर अच्छे इंजीनियर हो तो इसकी एक्सेस लोगे और फेल ओवर चेक करोगे कि क्या भाई क्या इशूज आ रही है, मे बी आप एक्सटेंडेड पिंग यूज करोगे, बहुत सारे पैकेट आप भेजोगे ISP1 की तरफ, आप तो उसमें जो है तो साइज बढ़ा दोगे, 1000 पैकेट भेजोगे और देखोगे कि क्या इशूज आ रही है, इशूज है भी या नहीं है राइट। आपको पता चला कि हाँ यहाँ पे इशू तो है, पैकेट लॉस हो रहा है, यहाँ पे रिलायबिलिटी की इशू है, सीआरसी इशू है, आप लॉग वगैरह चेक करोगे कि कोई यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड लॉग तो नहीं है राइट। आपको पता चल गया कि भैया इस लिंक पे कुछ इशूज है, यहाँ पे स्लोनेस है, यहाँ पे पैकेट लॉस है, अब आप इसको फेल ओवर करना चाहते हो, मे बी आप यहाँ पे क्या चल रहा हो, आप इंटरनल में आप वॉइस कैप चला रहे हो और यहाँ पे आप BGP चला रहे हो राइट, BGP अगर आपको अच्छी नॉलेज है आप BGP के ऊपर शूटिंग करना शुरू करोगे और मे बी आप फेल ओवर कर लोगे। 20% केस में इंजीनियर फेल ओवर कर लेते हैं, 80% केस में फेल ओवर भी नहीं होता है जल्दी राइट, बिकॉज इस प्रेशर बहुत हो सकती है ना यहाँ पे। अब सपोज करिए आप ये जो यूजर है, क्लाइंट्स है, ये SpiceJet का एम्प्लॉय यहाँ पे बैठा हुआ है राइट, और बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है बोर्डिंग पास के लिए और उनका सर्वर डाउन है राइट, वो बोर्डिंग पास नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, सोचो प्रेशर नेटवर्क इंजीनियर के ऊपर में राइट।
आप इस नेटवर्क को ट्रूबल शूट कर रहे हो कि स्पाइसजेट का सर्वर भाई क्यों नहीं चल रहा है, एक एग्जाम्पल राइट। तो क्लाइंट कुछ भी हो सकता है, सपोज करो कि एक बैंक में, बैंक का ये नेटवर्क है जहाँ पे बहुत सारे लोग क्यू में खड़े हुए हैं अपने पासबुक अपडेट करवाने के लिए या कैश डिपॉजिट करवाने के लिए, लेकिन उनका सर्वर डाउन है राइट। और आप फेल ओवर करने की कोशिश कर रहे हो, आपकी फेल ओवर हो नहीं रही है राइट। मे बी आपको बीजी की अंडरस्टैंडिंग, बीजीपी की अंडरस्टैंडिंग ऐसी नहीं है तो आप फेल ओवर नहीं कर पा रहे हो राइट। तो ये सारे इश्यूज है किसमें, ट्रेडिशनल वैन में। यहीं पे अगर ये एसडीएन नेटवर्क होता, एसडीएन टेक्नोलॉजी होता राइट, तो ये राउटर सेंस कर लेता यहाँ पे, ये राउटर हम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कि भैया इस लिंक पे अगर 10% लॉस आने लगे या 20% लॉस आने लगे तो भाई तुम ऑटोमेटिक क्या कर देना, फेल ओवर कर देना, ट्रैफिक किसके तरफ भेजने लग जाना, आईएसपी 2 की तरफ भेजने लग जाना राइट, जो कि आप ट्रेडिशनल वैन में नहीं कर सकते हो, है इशू। जैसे ऐसे ही मेरे पास क्या है, बहुत सारे ब्रांच ऑफिसेस है, ISP1, ISP2, R1, R2, डिस्ट्रीब्यूशन स्विच 1, डिस्ट्रीब्यूशन स्विच 2 कनेक्टेड है। अब इन सारे डिवाइसेस के ऊपर मैं आपको, जैसे मैंने बताया कि एक ACL कॉन्फिगर करना है और ऐसे आपके 1000 ब्रांच ऑफिसेस है, तो क्या हो जाएगी, बहुत टाइम लग जाएगी, सारे टास्क क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और इंजीनियर्स ACL कॉन्फिगर करने में लग जाएंगे, हफ्ते लग जाएंगे, सालों लग जाएंगे। यहाँ पे भी फेल ओवर करने में पूरे पूरे दिन चले जाते हैं राइट राइट। तो यहाँ पे एक इशू क्या है, कॉन्फ़िगरेशन की, कि कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा क्या है, डिफिकल्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है, लेंथी है राइट, टाइम कंज्यूमिंग है, मैनेजमेंट आसान नहीं है। तो अगर SDN रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, एक सेंट्रलाइज लोकेशन से हम सारे ब्रांच ऑफिसेस के यूजर ड्रॉअर्स पे कॉन्फ़िगरेशन को पुश कर सकते हैं राइट। सेकंड बेनिफिट, थर्ड बेनिफिट, लेट सपोज कि इस नेटवर्क में, इस नेटवर्क में ये मेरा नेटवर्क है, लेट मी डिजाइन वन अनदर डिजाइन हियर, R1, R2, दिस एंड इंटरनेट। आपकी प्राइमरी राउटर नंबर 1 है, रिप्लेसमेंट। ये राउटर, लेट सपोज इस राउटर की मैनेजमेंट पोर्ट काम नहीं कर रही है, मतलब आपके पास कंसोल एक्सेस तो होता है, कंसोल से आप एक्सेस ले लेते हो लेकिन मैनेजमेंट पोर्ट नहीं काम कर रहा है, ये राउटर अपडेटेड राउटर हो गया राइट, मतलब कंपनी के तरफ से कोई अपडेट नहीं आ रहा है इस राउटर के लिए। अपडेट नहीं आने का मतलब कि कंपनी आपको सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करवा रही है या सिक्योरिटी पैच की कोई अपडेट नहीं आ रही है। तो आपकी कंपनी ने डिसाइड किया क्या कि इस राउटर को रिप्लेस किया जाए राइट, क्योंकि यहाँ पे आपके पास अब जो है सो iOS अपडेटेड नहीं आ रहे हैं, आप इसको अपडेट नहीं कर सकते हो, पुराने हैं, सपोर्ट नहीं है और आपके कुछ पोर्ट्स भी यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं, आपने डिसाइड किया कि इस ऑर्डर को रिप्लेस करना है। अब देखो रिप्लेसमेंट प्रोसेस कितना लेंदी है राइट, अगर रिप्लेस करना है तो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं RMA करूँगा, अगर मेरी राउटर वारंटी मैं RMA करूँगा, मैं कंपनी को जो है तो डॉक्यूमेंटेशन अपने इश्यूज के बारे में बताऊंगा, अगर कोई फॉल्ट आ गई है तो राइट, फिर कंपनी दूसरा राउटर रिप्लेस करके देगी मुझे साइट पे, फिर मैं साइट पे फील्ड इंजीनियर अरेंज करूंगा, FE दूंगा, वो FE क्या करेगा, इस पावर यहाँ से डिसकनेक्ट करेगा, ये राउटर को रिमूव करेगा, नया राउटर इंसर्ट करेगा, पावर देगा, फिर कंसोल देगा और मुझे कंसोल देगा, फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉन्फ़िगरेशन मे बी मेल के थ्रू जो है तो कॉन्फ़िगरेशन मंगाऊंगा राइट, और यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन की जहाँ भी बैकअप होगी वहाँ से कॉन्फ़िगरेशन लूंगा, फिर वो कॉन्फ़िगरेशन मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा, फिर मैं टेस्ट करूंगा कि सब कुछ काम कर रहा है या नहीं, अगर नहीं कर रहा है तो फिर मैं ट्रबल शूट करूंगा। एक डिवाइस को रिप्लेस करने में ना पूरे पूरे दिन लग जाते हैं, 24 घंटे लग जाते हैं, कभी कभी सप्ते लग जाते हैं अगर कुछ इशू आ जाए तो, समझ रहे हो राइट। फिर वो जो FE है उसको हम बोलेंगे भैया इस पोर्ट पे जो है तो वैन केबल कनेक्ट कर दो, इस पोर्ट पे लैन केबल कनेक्ट कर दो, सारे ये सब क्या है, लेंदी प्रोसेस है राइट, 24 घंटे लग जाते हैं एक राउटर को रिप्लेस करने में। तो अब सपोज करिए कि एक नया ब्रांच ऐड करना कितना मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल राइट, बहुत टाइम कंज्यूमिंग। बट यही अगर मैं SDN की बात करूं, SDN में मैं सिर्फ और सिर्फ FE को क्या बोलूंगा कि भैया तुम जाओ एक काम करो, इस डिवाइस को निकाल दो वहां से, नया डिवाइस वहां पे लगा दो, पावर दे दो और एक पोर्ट पे वैन केबल कनेक्ट कर दो, एक पोर्ट पे लैन केबल कनेक्ट कर दो और तुम वहां से चले जाओ, दैट्स इट, हो गया काम खत्म। अब ये राउटर खुद ही
क्या करेगा, कॉन्फ़िगरेशन लोड कर लेगा, कहाँ से, कंट्रोलर से, राइट। हम उन कंट्रोलर के बारे में डिस्कस करेंगे, हमारे पास बहुत सारे कंट्रोलर हैं एसडीएन नेटवर्क में, वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट देखो कितना आसान है अब एक राउटर को रिप्लेस करना है एसडीएन में, सिर्फ और सिर्फ एफई को इंस्टॉल करके पावर देना है और लैन पोर्ट और वैन पोर्ट को कनेक्ट करना है, राइट। अगर ट्रेडिशनल की बात करूं तो अगर यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद मे बी का भी कॉन्फ़िगरेशन आपने उसको कर दिया, फिर कुछ इशू आ गया जिसकी वजह से ये रोड़ा काम नहीं कर रहे हैं या एंड यूजर स्लोनेस कुछ इशूज फेस कर रहे हैं, फिर खुल जाएगा आपके लिए P1 या P2। अगर आप इंजीनियर हो तो पता होगा आपको P1 या P2, मैं इंजीनियर हूँ मुझे पता है। अब फिर आप लग जाओ ट्रूबल शूटिंग में, राइट। अब ये ट्रूबल शूटिंग करना, इतने सारे ब्रांच ऑफिसेस, इतने सारे राउटर्स, राइट, इनको ट्रूबल शूट करना काफी ज्यादा मुश्किल है, राइट, हार्ड है, राइट। एक हमें स्किल्सफुल इंजीनियर चाहिए हर ब्रांच के ऊपर में जो हमारे नेटवर्क को मैनेज करे, राइट। तो जैसे मैंने बताया मैनेज के लिए ही हर ब्रांच में मुझे क्या चाहिए, इंजीनियर चाहिए, थर्ड पार्टी की टूल्स चाहिए मॉनिटरिंग के लिए, जैसे मैंने बताया सोलर वैन, राइट। बट एसडीवैन में ऐसा नहीं है, एसडीवैन में क्या है कि आप सॉल्यूशन परचेज करोगे, आपके पास पूरी की पूरी मैनेजमेंट के लिए टूल मिल जाएगी, राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट में भी मैनेज के थ्रू, राइट। सिर्फ और सिर्फ आपको एसडीवैन सॉल्यूशन के लिए पे करना है, राइट। सेकेंड इशू, थर्ड इशू, हर ब्रांच देखो अगर मैं ट्रेडिशनल नेटवर्क की बात करूँ ना, ट्रेडिशनल वैन की, तो पहले हम लोग जो कनेक्टिविटी लेते थे वो MPLS सर्किट की हेल्प से लेते थे, राइट। तो हर ब्रांच के ऊपर मैं क्या करूँगा, MPLS सर्किट के लिए भी पे करूंगा, जो कि काफी कॉस्टली होती है। एक तो मेरी डिवाइसेस कॉस्टली, ऊपर से MPLS सर्किट के लिए मैं बहुत सारे पैसे पे कर रहा हूँ हर ब्रांच के ऊपर, राइट। आप देखोगे कि SD-WAN में कितने सारे बेनिफिट है मुझे, राइट, यूज करने का SDN टेक्नोलॉजी। यही तो रीजन है कि इतने सारे वेंडर अपने अपने SD-WAN सोल्यूशन लेके आए, जैसे अभी सिस्को का SD-WAN सोल्यूशन विप्टेला के नाम से, राइट, विप्टेला, वर्षा का, तो अलग अलग वेंडर्स क्या है SD-WAN सोल्यूशन को लेके आए, रीजन भी कि ये काफी पॉपुलर और यूजफुल टेक्नोलॉजी है, राइट। बहुत ही इजिली मैं एक डिवाइस को ऐड कर सकता हूँ, एक ब्रांच ऑफिस को ऐड कर सकता हूँ, राइट, जो कि जितने भी इशूज हम लोगों ने इशूज को पहले क्या किया, आइडेंटिफाई किया ट्रेडिशनल वैन में, जो भी हमें इशूज लगा उन सारे इशूज को सॉल्व करने के लिए हम SD-WAN टेक्नोलॉजी को लेके आए। अब सपोज करिए कि ऐसा ही नहीं, इतना ही नहीं, आप अगर ये सोच रहे हो कि हमारा जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बर्बाद हो जाएगा, राइट, जो पुराने राउटर हमारे वैन ट्रेडिशनल वैन राउटर्स है, अगर मैं SD-WAN सॉल्यूशन लेना चाहता हूँ तो वो तो सारे बर्बाद हो जाएंगे प्रकूल, तो नहीं, वो सारे भी बर्बाद नहीं होगा। देखो जो एज डिवाइसेस जो हम ब्रांच ऑफिसेस के लिए डिवाइसेस बनाए हैं SD-WAN में, वो दो टाइप के डिवाइसेस है, एक है CS, राइट, और एक है VS। VS तो कंप्लीटली न्यू डिवाइस है जो कि आपको हर ब्रांच ऑफिसेस पे लगाना है, राइट, जो कि हर ब्रांच ऑफिसेस के लिए बनाया गया है। और अगर मैं CS की बात करूँ तो जो आपके पुराने राउटर्स है, जो पुराने आप वैन राउटर्स है, उसी को आप यूज कर सकते हो SD-WAN में, राइट, SD-WAN के साथ। क्योंकि सपोज जैसे सिस्को ने बहुत सारे डिवाइसेस ऑलरेडी सेल करके रखा हुआ है ये ट्रेडिशनल वैन, राइट, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ये डिवाइसेस ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। अगर SD-WAN टेक्नोलॉजी में ये राउटर सपोर्ट नहीं होगा तो आप लॉस समझ रहे हो कितना बड़ा लॉस होगा, राइट। ये जितने भी डिवाइसेस हैं जो इंडस्ट्री में अभी यूज हो रहे हैं वो सारी वेस्ट हो जाएंगे, राइट। तो सिस्को ने क्या किया कि बोला कि भाई तुम अपना पुराने वाले वैन राउटर जो है वो भी यूज कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, लाइसेंस परचेज करना है SD-WAN का, राइट। और लाइसेंस परचेज करने के बाद आप इससे iOS अपग्रेड कर दो। अगर आप iOS अपग्रेड कर देते हो SD-WAN लाइसेंस के साथ, तो आपका जो पुराना ट्रेडिशनल वैन राउटर था वो क्या बन जाएगा, CH, वो क्या बन जाएगा, CH, राइट, इन द SD-WAN। सो CS SD-WAN में एक टाइप का डिवाइस है जो हम लोग देखेंगे कि कैसे काम करता है। और VS अगर आप नया डिवाइस परचेज करते हो SD-WAN में फॉर रिमोट ब्रांच ऑफिसेस। सो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो, आज के वीडियो में मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँगा कि हमें SD-WAN टेक्नोलॉजी के साथ क्यों आना चाहिए। पहला रीजन क्या है, गाइस, कॉस्ट। सबसे पहले कॉस्ट, जो हमें हर ब्रांच ऑफिसेस पे
जो कंट्रोल प्लेन या डेटा प्लेन जो पुराने वाले बॉक्स थे वो कॉस्टली बॉक्स लगाने की जरूरत नहीं है, राइट। हम चिप और डिवाइस लगा सकते हैं ब्रांच ऑफिस पे, जो कि हमारा वीएस है और सीएस है। इन सारे में से जो मेन कंट्रोल प्लेन था उसको मैंने निकाल के क्या किया, अलग अलग डिवाइसेस बनाए, जैसे वी मैनेज, वी स्मार्ट, वी बॉन, और उस सबको मैं एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे लगाऊंगा, जहां से मेरी सारी ब्रांच ऑफिस क्या होगी, मैनेज होगी, वो मेरा डेटा सेंटर हो सकता है, राइट। तो कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए जो पुराने ट्रेडिशनल वैन थे वो काफी ज्यादा कॉस्टली होता था, राइट। सेकेंड इशू जो मैंने इस सिनेरियो में बताया था कि एक ऑर्डर फेल ओवर ही नहीं कर पा रहा है और जो आप इंजीनियर हो वो भी फेल ओवर नहीं कर पा रहे हो, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में जो नेटवर्क जो एंड यूजर्स होते थे वो स्टक हो जाते थे, डाउन टाइम उसकी बहुत ज्यादा हो जाती थी और बहुत ज्यादा हमें लॉस होती थी, राइट। कंपनी की बहुत ज्यादा लॉस हो जाती थी यहाँ पे। अब सपोज करो कि फ्लाइट की टाइम होगी और टिकट के लिए बोर्डिंग पास ही नहीं निकल रहा है सर्वर डाउन के वजह से, तो कंपनी की भी लॉस होगी और जो उनको नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया उनको भी लॉस हो रहा है, करेक्ट। तो ये सारे लॉस को रिड्यूस करने के लिए एसटीएम लिंक को भी सेंस कर सकता है, एचटीटीपी डेटा को भी सेंस कर सकता है, समझ सकता है, और अगर यहाँ पे थोड़ा भी पैकेट लॉस आने लग जाए तो अपने आप फेल ओवर भी कर देगा। हमारे पास जो इंजीनियर्स होते हैं, राइट, स्किल्स फुल इंजीनियर्स भी काफी टाइम मैंने देखा है कि फेल ओवर ही नहीं कर पाते हैं इंटरनल राउटर्स में। जैसे मैं एक ब्रांच की बात करूं, एक ब्रांच ऑफिस में मेरे पास कुछ ऐसे डिवाइसेस है R1, R2, R3, R4, ये सारे ऐसे डिवाइसेस कनेक्टेड है और मैं यहाँ पे कोई राउटिंग प्रोटोकॉल चला रहा हूँ, OSPF हो सकता है, कुछ डिवाइसेस पे मैं EGRP चला रहा हूँ, EGRP, कुछ डिवाइसेस पे मैं दूसरा राउटिंग प्रोटोकॉल चला रहा हूँ, राइट, BGP चला रहा हूँ। इंटरनल में मेरे पास यहाँ पे HSRP चल रहा है, राइट, या फिर BRRP चल रहा है, राइट, फिर STP चल रहा है। ये सारे प्रोटोकॉल इन नेटवर्क में चल रहे हैं और कुछ कंपनी, अलग अलग कंपनी कनेक्टेड है। ये मेरा मेन, लेट सपोज डेटा सेंटर है, राइट, इस ऑर्डर से एक ब्रांच ऑफिस कनेक्ट है, यहाँ से एक नया कंपनी का नेटवर्क कनेक्ट है, यहाँ पे एक मेरा पार्टनर नेटवर्क है, यहाँ पे मेरे कुछ दूसरे पार्टनर हैं और इनके बीच में मैं हर जगह पे BGP यूज कर रहा हूँ, राइट, BGP। और अभी आप यहाँ पर तो देख रहे हो कि हमारे पास एक ही पाथ है हर जगह पे, बट इन रियल टाइम यू विल हैव मल्टीपल पाथ, हमारे पास मल्टीपल पाथ होते हैं और मल्टीपल जब राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहे होते हैं तो इंजीनियर आर रियली नॉट एबल टू ट्रबल शूट, जब कुछ प्रॉब्लम आते हैं तो इंजीनियर ट्रबल शूट नहीं कर पाते हैं, राइट, बहुत बहुत टाइम दे देते हैं, बहुत हेल्प लेना पड़ता है, राइट। इवन हम लोग जब इतने एक्सपीरियंस होने के बाद भी जब हम लोग नेटवर्क को ट्रबल शूट करते रहते हैं तो कभी कभी बहुत टाइम लग जाता है ट्रबल शूट करने में, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में, कभी कभी फेल ओवर ही नहीं होते रहता है और उस टाइम में बहुत सारा कॉल आते रहते हैं, प्रेशर आते रहते हैं, राइट, क्योंकि डेफिनेटली सारा कुछ नेटवर्क के ऊपर में डिपेंड है। तो डाउन टाइम हमें बहुत कम चाहिए, राइट, जो कि इशू था डाउन टाइम का, बहुत ज्यादा डाउन टाइम हो जाता था ट्रेडिशनल वैन में। SD-WAN ने इसको क्या किया, रिड्यूस किया, दूसरा बेनिफिट। तीसरा बेनिफिट, कॉन्फ़िगरेशन एंड मैनेजमेंट, कॉन्फ़िगरेशन एंड मैनेजमेंट काफी ज्यादा आसान हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1000 ब्रांच ऑफिसेस के राउटर पे एक ACL कॉन्फ़िगर करना या 10 ACL कॉन्फ़िगर करना एक मिनट में हो सकता है, राइट, बट वही चीज ट्रेडिशनल वैन में महीनों लग जाते, राइट, 10 दिन लग जाते, 15 दिन लग जाते। तो मैनेजमेंट काफी आसान होगी, कॉन्फ़िगरेशन आसान होगी, ट्रबल शूटिंग आसान होगी, कॉस्ट इफेक्टिव हो गई, राइट, क्योंकि हमें हर जगह पे अब महंगे महंगे डिवाइसेस परचेज करने की जरूरत नहीं है, राइट, कंट्रोल प्लेन आप डेटा सेंटर में ही सिर्फ और सिर्फ महंगे डिवाइसेस परचेज करने की जरूरत है। सिक्योरिटी हो गई, अब देखो ट्रांसपोर्टेशन के लिए ही, जो मैंने क्या बताया कि पुराने टाइम में जो जब ट्रेडिशनल वैन की मैं बात करूँ ना तो दो ब्रांच ऑफिस को हम लोग जनरली MPLS सर्किट से कनेक्ट करते थे और MPLS सर्किट काफी ज्यादा महंगा होता है, राइट, हर ब्रांच पे आपको MPLS सर्किट के लिए पे करना है, हर जगह पे आपको मॉनिटरिंग के लिए थर्ड पार्टी से टूल परचेज करना है, उसको पे करना है, राइट, तो ये सारे कॉस्ट यहाँ पे रिड्यूस हो गया। अब SD-WAN में हर साइट को कनेक्ट करने के लिए आपके पास मल्टीपल, आप इवन ब्रॉडबैंड इंटरनेट यूज कर सकते हो अलग अलग साइट को, जैसे 1000 ब्रांचेस है, राइट, और एक नया डेटा सेंटर है तो हर ब्रांच ऑफिस को मुझे डेटा सेंटर से कनेक्ट करना है, करेक्ट,
मैं इंटरनेट यूज कर सकता हूँ, मैं 4G 5G यूज कर सकता हूँ, 4G 5G, मैं MPLS यूज कर सकता हूँ, राइट। तो अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास ब्रांच ऑफिस और डेटा सेंटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए। आप देखोगे कि रिटेंडेंसी के लिए कैसे ये इजी है, SDN नेटवर्क, SD-WAN टेक्नोलॉजी, और भी गाइस बहुत बेनिफिट है SD-WAN का ओवर ट्रेडिशनल वैन। अब मुझे लग रहा है वीडियो की लेंथ बढ़ रही होगी, मैं देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मोबाइल मेरे सामने लगा हुआ है। आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में, जहाँ पे कुछ आप जैसे जैसे ये कोर्स करोगे, जैसे जैसे आप इस सीरीज को देखोगे आगे, तो आपको पता चलेगा कि ओके ये भी बेनिफिट हो सकता था इसका SD-WAN का, राइट, ट्रेडिशनल वैन के ऊपर। तो डेफिनेटली बहुत सारे बेनिफिट होंगे, तभी तो इतने सारे वेंडर कंपनी अपने अपने सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं और हम यूज भी कर रहे हैं, करेक्ट। तो आने वाले टाइम में हम लोग इन सारी चीजों को गाइस बहुत डिटेल में सीखने वाले हैं। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पे नए हो या सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको समझ में आ रहा है, राइट, आपको हिंदी वीडियो की जरूरत थी, आप भी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हिंदी में वीडियोस बनाइए, तो डेफिनेटली आप अप्रिशिएट कीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले अगला वीडियो जल्दी से जल्दी बनाने के लिए। और मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी अगला वीडियो बना आपको दूं और इस प्लेलिस्ट को, इस सीरीज को जल्दी से जल्दी खत्म करें, राइट। ये प्लेलिस्ट आपको मास्टर बना देगा SDN नेटवर्क में, SD-WAN टेक्नोलॉजी में, इस पूरे सीरीज को देखने के बाद, राइट। और अभी तो पूरा सीरीज बना भी नहीं है, ये तो मैं पहला वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कल मे बी ये दूसरा वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, और मे बी मैं कुछ ऐसा प्लान बनाऊंगा कि सप्ते में 2-3 वीडियो एटलीस्ट इस सीरीज में मैं डालू। जो भी होगा गाइस देखते हैं आगे, पहले तो आप ये वीडियो अगर देख लिए हो तभी आप मुझे सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली अभी मुझे बताइए कि इस टाइप का वीडियो क्या आपके लिए अच्छा रहेगा, हेल्पफुल रहेगा, क्या मुझे ये सीरीज कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे अगेन वीडियो इंग्लिश में ही बनाने चाहिए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो।